दोस्तों, आज हम बात करेंगे HAL मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। आप लोगों ने ढेर सारे समाचार पत्रों में देखा होगा कि वहां के कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा वो स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि उनके सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो अचानक से स्ट्राइक करने आ गए, वो जनवरी 2017 से अपने मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए। अगर आपको HAL के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, HAL एक ऐसी कंपनी है जिसमें 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसके 20 से ज्यादा प्रमुख ब्रांचेस हैं, 9 से ज्यादा उसके रिसर्च सेंटर हैं, एशिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल कंपनी है। वो ऐसी कंपनी है जिसने हमें चेतक दिया, चीता दिया, हमें ढेर सारे स्वदेशी लड़ाकू विमान दिए। इतनी बड़ी कंपनी है और आज उस कंपनी के कर्मचारी इसलिए स्ट्राइक किए हैं कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि हमारे ऑफिसर्स को सैलरी मिल रही है, ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाई जा रही है, बट हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। और बात भी सच है, अगर हमारे कर्मचारियों की सैलरी अच्छे से नहीं बढ़ाई जाएगी तो हमारे काम कैसे अच्छे होंगे, और जब हमारे काम अच्छे नहीं होंगे तो हमारी कंपनी घाटे में जाएगी। ये तो आपको ही पता है, आप भी कहीं पे काम कर रहे होंगे, आप खुद की कंपनी में देख रहे होंगे, अगर हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा तो हम किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उनका भी कहना गलत नहीं है दोस्तों। मैं HAL को नहीं कहना चाहूंगा कि इसमें पूरी की पूरी HAL की गलती है। HAL इसमें 1000 करोड़ रुपए के लोन पे चल रही है। वो अपनी जो सैलरी है एम्प्लॉयज की, वो उस लोन के पैसे से दे रही है। समस्या ये है कि वो लोन लिया क्यों, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पिछले कुछ वर्षों में HAL ने सिर्फ और सिर्फ लोन दिए हैं लोगों को, लोन दिए हैं संस्थानों को, लोन दिया है कंपनियों को, कभी उसने लोन लिया नहीं था। दोस्तों, HAL कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, लोन क्यों ले रही है? क्योंकि हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, राफेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट HAL को न देके गवर्नमेंट अंबानी जी की कंपनी को दे रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर इस तरीके से हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, हमारी PSU'S को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो PSU'S का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा। अगर हम बात करें अपनी BSNL की, उसके साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ। किसी और कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है और BSNL घाटे में जा रहा है। अपने ONGC का भी पीछे हाल भी सुना होगा कि 4000 करोड़ के लॉस में ONGC भी गई है। तो इस तरीके से अगर HAL भी घाटे में जाएगी तो किस तरह से अपनी कंपनी का इंक्रीमेंट कर पाएगी, अपने कर्मचारियों की इंक्रीमेंट कर पाएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि HAL की क्या इसमें कोई गलती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज शेयर बटन पे क्लिक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे शायद हमारी HAL कंपनी के जो कर्मचारी है उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हो सके और हमारी गवर्नमेंट को भी समझ में आए कि जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे PSU'S को ही मिलने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को मिलने चाहिए। इस तरीके से अगर प्राइवेटाइजेशन होने लगा तो आपको भी पता है कि अभी रेलवे भी एंट्री हो चुकी है, तो कुछ दिन बाद शायद हम लोग भूल जाए कि PSU'S नाम की भी हमारे पास कंपनियां थी और हमारी GDP ऐसी गिरेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हमें बचाना है तो हमें सबको साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज इस वीडियो को इतना वायरल करना कि लोगों को भी समझ आए कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, इसे यहाँ पे संभलना चाहिए। ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।